पता है कि प्याज दो सीजनों में भारत में बहुतायत में लगाया जाता है, एक रबी और एक खरीफ। जो रबी का बीज उत्पादन है उसमें करीब 1.5 वर्ष लग जाता है और जो खरीफ का बीज उत्पादन किया है उसमें करीब 1 वर्ष में बीज उत्पादन तक पहुंच जाते हैं। हमारी प्रजातियां हैं पूसा संस्थान की, पूसा रिद्धि, पूसा रेड, ये हमारी प्रचलित प्रजातियां हैं और बहुतायत में इनका बहुत मांग है इनकी। हमें पहले नर्सरी डालनी पड़ती है और नर्सरी डालने के लिए हमें उन्नत प्रजाति का बीज शुद्ध सोर्स से हम लेते हैं और उस सोर्स की हम जांच कर लेते हैं कि कहीं बीज में अशुद्धता ना हो। उसके लिए हम जैसे पूसा संस्थान से बीज ले सकते हैं और बीज के 4 प्रकार होते हैं। उसमें जो बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रीडर सीड होता है या फाउंडेशन सीड होता है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है और उस समय हम क्या करते हैं, नर्सरी को थोड़ा ऊंचा बनाते हैं ताकि पानी न भरे और मिट्टी को खूब भुरभुरा करके और हम बीज की बुआई करते हैं और जब बहुत सारा तैयार हो जाते हैं तो उसको हम फिर उसमें से हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय नर्सरी को उसकी दूरी जो है हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की हो और 15 सेंटीमीटर के करीब नाली की लाइन से लाइन की दूरी हो। तो करीब इसका ट्रांसप्लांटिंग हमने जनवरी उसमें किया था और देखिए इसका विकास ठीक हो रहा है। अभी इसका विकास जब कंदों का उचित साइज होगा बीज के लिए वो करीब करीब इतना हो जाएगा, जिसका वजन लगभग बीज के समय 60 ग्राम प्रति बल्ब होगा और उसका करीब 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 लगभग 25 क्विंटल बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। जैसा अभी आपने वहां देखा था, तो इस प्रकार जब कंदों का विकास हो जाता है तो हम उसमें से जब उस कंदों को स्टोरेज कर लेते हैं, जिस समय इसकी खुदाई करते हैं उस समय हम ध्यान देते हैं कि जो कंदों का चयन करें वो 2 मुहे के कंद ना हो और कंद बिल्कुल एक एक बढ़िया आकार में हो और उनका एक ही तना हो। ये नहीं कि तने लाजी था, पतले तने का चयन करते हैं और उसको खूब सुखा लेते हैं, छाया में सुखाते हैं, धूप में नहीं सुखाते हैं और उसके बाद उसको रख लेते हैं और हवादार कमरे में रखते हैं, जिससे कि 15-15 दिन में छटाई करते रहते हैं जिससे कि उसमें गलन और सड़न ना हो और उन कंदों को चयन करके वैरायटी के अनुरूप जो प्रजाति बो रहे हो, जिसका बीज उत्पादन कर रहे हो, उस वैरायटी के लक्षण ज्ञात होते हैं और उन्हीं के अनुरूप हम उनका कंदों का सिलेक्शन करके और वो 25 क्विंटल के कंद के जो होते हैं वो 1 हेक्टेयर के बीज उत्पादन के लिए पर्याप्त होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो हमें पौधे से पौधे की दूरी, ये रिद्धि प्रजाति है और पौधे से पौधे की दूरी हमने करीब 7 सेंटीमीटर रखी है और एक फसल से बोई गई जो जिसका बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके आसपास करीब करीब, जैसे प्याज में 500 मीटर के दायरे में फसल नहीं होनी चाहिए दूसरी प्याज की। जो नालियों में हमने लगा रखा है ऊपर रेज बेड में, नालियां बगल में चल रही है तो जिससे हल्का सा पानी मिलता है। लगाने से पूर्व अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद तकरीबन 25 से 50 उनके आसपास में खूब बढ़िया ढंग से मिला देते हैं। तो जब इसको इस गुच्छे को देखेंगे तो इसमें हल्के से काले काले दाने दिखाई देंगे, तो वो स्टेज लगभग उसके 10-12 दिन के अंदर वो स्टेज आ जाती है और उनकी हम इसकी तुलाई कर लेते हैं और तुलाई करने के बाद उसको इससे बीज हम निकाल लेते हैं। तो इसको भंडारण करते समय 5 से 6% नमी रहे, तो जो टेम्परेचर हो कमरे का उसका 18 से 20 से ज्यादा ना हो और आर्द्रता जो हो वो 30 से 40% से ज्यादा ना हो। इस तरीके से जब हम इस फसल को लगाते हैं तो अत्यधिक बीज उत्पादन होता है, करीब करीब 1 हेक्टेयर में 8 से 10 क्विंटल बीज आपको आसानी से मिल जाता है।